कोई उनको वो जो है वो इसका असर नहीं हो रहा है, वो संजीदा ले ही नहीं रहे आप लोगों के 6 दिन के अल्टीमेटम को। वो कहते हैं अब की बार आके तो दिखाएं, पहले से ज्यादा ताकत से रोकेंगे आप लोगों को। इस दफा इनके कातिल अजायम, इनके मुजरिम अजायम और इनके बर्बरियत के अजायम इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं बर्बर हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जब से सत्ता इमरान खान के हाथों से गई है उसके बाद से कहीं ना कहीं इमरान खान इतना उतावला हो रहा है पाकिस्तान की कुर्सी वापस पाने के लिए कि पाकिस्तान में जलसे और जुलूसों की जो अंबार लगाए हुए हैं छोटे से पाकिस्तान में, पता नहीं कहां कहां जलसे करेगा। थोड़े से शहरों में जो लोग भूख और बेरोजगारी से त्रस्त है उनको बुला बुला के उनका टाइम वेस्ट जो जलसों में किया जा रहा है इमरान खान, तो उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर पाकिस्तान की नई हुकूमत ने सीधा सीधा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चैलेंज दे दिया है कि वो अब अपने जलसे वगैरह समेट ले, नहीं तो जो पहले इस्लामाबाद के जलसे में हुआ था उससे दुगनी ताकत से इस जल तुम्हारे इन तकरीरों और जलसों को मिटा दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जोश नजर आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि इस बार भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। राणा सनाउल्ला साहब अभी एक टीवी पर बैठे कह रहे थे कि हम इस बार पहले से ज्यादा हिकमत अमली बनाएंगे आप लोगों को रोकने के लिए। मतलब कि ऐसे लग रहा है कि 6 दिनों के अल्टीमेटम का हुकूमत के कोई उनको वो जो है वो इसका असर नहीं हो रहा है, वो संजीदा ले ही नहीं रहे आप लोगों के 6 दिन के अल्टीमेटम को। वो कहते हैं अब की बार आके तो दिखाएं, पहले से ज्यादा ताकत से रोकेंगे आप लोगों को। शुक्रिया शाजिया। देखें जब आप आदि मुजरिम हो और जिसको कहते हैं कोना मुश कातिल हो और आपने जराइम की एक हिस्ट्री हो, चोरी, कत्ल, डाका, बर्बरियत की आपकी हिस्ट्री हो, आपने 100 बंदे दिन दहाड़े शूट किए हो आम शहरी और जिसमें 2 औरतें सीधे मुंह आपने गोलियां देके मार दी हो, तो फिर आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पिछले 2 दिन पहले जो इस अवाम ने और दुनिया ने देखा ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जिस तरह इन्होंने 82 साल की खवातीन, 72 साल की खवातीन को जिस तरह गेट तोड़ के हरासा किया, जिसको कहते हैं जख्मी किया, जिसको कहते हैं बेजा हब्स में रखा, उसका मैं कहती हूं इंसानियत की हिस्ट्री में शायद ही आपने कभी कोई मुकाबला देखा हो। और फिर फखर से बैठ के, जो सबसे शर्म की बात है, फखर से कह रहे हैं कि जी मेरे पास 11 जमातों ने कहा हुआ है कि जी टिका दो इनको। क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने 30 साल हुक्मरानी ऐसे की, 100 बंदों को गोलियां मारी फिर भी कुछ नहीं हुआ, 17 बंदे कत्ल किए राणा सनाउल्ला ने, अपनी पार्टी का बंदा गिनवा रहा है नाम आपके चैनल पे आके, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये आए हैं, ये आके अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, नैब बंद करवा रहे हैं, अपने सारे केसेस बंद करवा रहे हैं। चले आप तो सारे मामलात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं, आपसे अदालत को किस किस्म की गारंटी चाहिए, कैसा तहफ्फुज़ चाहिए आप लोगों को? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये कहा था कि रुकावटों को हटा दिया जाए, फिर रुकावटें हटा दी गईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरअमन एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही ये बात कर चुकी है कि आप हर एक को आप पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए, आप किस किस्म की आप लोग गारंटी मांग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से तो आप लोग गारंटी मांग रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या आप लोग भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार होंगे या गारंटी देंगे कि हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होगा, हम कोई सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम रेड जोन को क्रॉस नहीं करेंगे, हम किसी इमारत पर हमला नहीं करेंगे, हम आम शहरियों की जो मामूलाते जिंदगी हैं उसमें खलल नहीं डालेंगे, क्या आप लोग भी ये सारी गारंटियां देंगे सुप्रीम कोर्ट को? शाजिया आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन्होंने उसी तरह हमारे बंदे मार दिए, एक बच्चे को उठा के रावी के पुल से नीचे गिरा दिया, वो मर गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने बूढ़ी औरतों को जो डॉक्टर यास्मीन के साथ किया, जो मेरे साथ किया, ये कोई छुपी हुई बात है? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ चुका था,
तो हम जा रहे हैं कल कि जी या आप ऑर्डर दें कि ये बिल्कुल इस किस्म की हरकतें दोबारा नहीं करेंगे। हमारी बेसिक राइट है, हर बंदे की बेसिक राइट होती है ये कुछ हम और नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी भी बात ये नहीं सुन रहे और ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमें गारंटी दें कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू, हमने तो हमेशा कहा है कि हमने हमारी हुकूमत में महंगाई मार्च मकाव मार्च नहीं हुआ, आया नहीं बिलावल कराची से, कोई हमने एक चीज उसको कही हो? 10 दिन 12 दिन धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, एक दफा हमने कुछ कहा हो? हमने ना, और हमने कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आएंगे, हम बैठेंगे, हम वही करेंगे जो एक पुरअमन एहतजाज के लिए जरूरी है। 10 दिन वो बैठे रहे, हमने तो उनको खाना भी दिया, बारिश हो गई रहने को भी दिया। हम तो यही कह रहे हैं कि आप हम आपके शहरी हैं, अगर हमारे शहरी हमारे साथ एहतजाज करना चाहते हैं तो मसला क्या है? आप क्यों अब 6 दिन के बाद आप लोगों ने भी स्ट्रेटजी बनानी है, 6 दिन के बाद ऐलान करना है, 6 दिन के बाद आप लोगों ने इस्लामाबाद आ जाना, और इस बार इस्लामाबाद आने की क्या हिकमत अमली है? क्या स्पेसिफिक कोई जगह मांगी जाएगी हुकूमत से या सुप्रीम कोर्ट से, या आप लोगों की एक ही वो आप लोगों का प्लान है कि आप लोगों ने डी चौक जाके बैठना है? नंबर वन, पहले हम सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी बेसिक हकूक है जिसकी पामाली इन्होंने की है, इस बर्बरियत वाली हुकूमत को हम अकाउंटेबल करना चाहते हैं कि जो हमें आईन ने कहा है उसके तहत आप हमें हमारी राइट दें। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये राइट देती है तो फिर हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर इन्होंने बैरियर्स ना रखे तो ऑब्वियसली सारी दुनिया इस वक्त जिस गुस्से में बैठी हुई है, जिस कहर में बैठी हुई है, वो डेफिनेटली आएगी। लेकिन अभी तो आप लोगों की बातों से लग रहा है कि आप कुछ भी हो जाए ऐसा, आप लड़ने के लिए आप लोग हर किस्म के तशद्दुद का सामना करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, आप आज कह रही थी कि हम तो कफन पहन के आएंगे आपकी बार, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे आपकी बार, देख लेंगे इनको। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तो जाहिर है आपने एक राय मांगी, आप लोगों ने एक तहफ़ मांगा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि पहली मार्च लॉन्ग मार्च को वापस भेजने की तो आप लोग एक ही रीजन बताते हैं ना कि यहाँ पे खून खराब हो सकता था, लोग मर सकते थे, क्योंकि आप लोगों के जो कारकुन हैं उनमें गुस्सा बहुत था। लेकिन अब की बार आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कह रहे हैं कि अब की बार हम कफन पहन के आएंगे, क्या आप इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखेंगे आप लोग? देखिए, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप है, पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंशाल्लाह, ऑब्वियसली वो हमारी राइट्स हैं, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये आएगा। हाँ। दूसरा, हम फिर अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे। इस दफा हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें मल्टीपल एवेन्यूज और मल्टीपल तरीकों पे हमने गौर किया हुआ है, और वो इस तरह का होगा कि ये रोक नहीं सकेंगे। तीसरा, हम वो एरिया चूज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, अगर एक्सप्रेस हाईवे है या रेड जोन से बाहर है हम वहां रुकेंगे, क्योंकि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराना और वहां बताना कि सारी पाकिस्तान इसमें शामिल है वो मकसद। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा था कि आप एज लाइन में अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कह रहे थे, कारकुनों को मैसेज दे रहे थे कि नहीं आप लोग डी चौक पहुंचे, तो मानी तो आप लोगों ने भी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आपने नहीं, नहीं ये बिल्कुल नहीं, जिस जिना एवेन्यू पे वो दाखिल हुए रेड जोन में नहीं आए, वो उन्होंने वहीं धरने का पोस्टपोनमेंट का ऐलान कर दिया। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट करना होता तो वो फिर आ जाते डी चौक में, उन्होंने नहीं किया। ये मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की आईन है और ये हकूक है कि लिबर्टी चौक में बूढ़े बच्चे वालदैन बहन भाई बैठे हुए उन पर आप शेलिंग कर दें, उनके ऊपर वो गैस आप डालें, वो गैस पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, बट आपका मियां हमारे साथ था, जिस किस्म की वो गैस थी उस गैस, आज तीसरा दिन हो गया है, हम सारे जो हैं वो हिलने जुलने जो हमारा होता है उसके अंदर सारा वो एक जहनी जो घुसी हुई है गैस, अभी तक वो निकल नहीं सकी। लेकिन हमने क्या कहा है, बिल्कुल हमने कहा है कि हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, और हम लगे रहेंगे जब तक हम बैरियर्स पार करके अपने मकसद के उसूल के लिए वहां पहुंचे ना। अच्छा, एक और चीज,
इसकी आप तस्दीक करें या तरदीद करें, खबरें ये भी आ रही थी कि ये भी आपके प्लान का हिस्सा है कि अगर आप लोगों को अब की बार एहतजाज नहीं करने दिया गया, रोका गया, तो आप मुल्क के जो मेन शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, यहाँ की जो मेन सड़कें उनको चौक कर देंगे, लोगों को बिठा देंगे ताकि इस हुकूमत का जो काम है वो ना चल सके, लोगों की जिंदगियों में खलल पड़े, इस हुकूमत पर प्रेशर बढ़े, तो ये कुछ फैसले करें जो आप लोगों के मुतालिबात हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, हमें ये उम्मीद है कि नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब लेकिन ये प्लान का हिस्सा है अवाम सारी, लेकिन क्या ये प्लान का तो हिस्सा है? नहीं, फिलहाल फिलहाल दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, हो सकता है कि बाद में ये ऑप्शन अपनाई जाए। फिलहाल जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। लीगली हम जा रहे हैं सारे कोर्ट्स में, और पॉलिटिकली हम अपनी फाइट जो है वो पंजाब की ग्राउंड में भी और सेंटर की ग्राउंड में भी बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस दफा इनके कातिल अजायम, इनके मुजरिम अजायम और इनके बर्बरियत के अजायम इनको मुंह की खानी पड़ेगी। फौरी इलेक्शन का तो दिलीप साहब आप लोग मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो आप लोगों में एक जोश था, जज्बा था, आप लोगों को यकीन था कि अब की बार जो मुल्क में इंतखाबात होंगे वो साफ होंगे, शफाफ होंगे, फिर ओवरसीज की वोटिंग राइट्स को लेकर भी था।